गीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो। तो राम राम दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपने घर से ही। तो ब्लॉग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारा सीन समझा देता हूँ। आज की डेट है 5 सितंबर एंड आप सभी को पता है 6 सितंबर को कृष्णा जन्माष्टमी है। तो क्या हुआ ना, आज से 2 साल पहले मेरे साथ सीन हुआ था कि मैं एकदम टाइम पे गया था कृष्णा जी की मूर्ति देखने एंड सबसे पहली चीज़ तो मुझे मूर्ति पसंद नहीं आई एंड जो उनके पास अवेलेबल मूर्तियाँ थी उसमें से मेरे को सिलेक्ट करना पड़ा था जो कि मैं मन मार के लाया था। तो इस बार मैंने सोचा कि टाइम के पहले ही सारी चीज़ें करते, तो मैं 2 तारीख को ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था मेरा। तो हमको लग रहा था कि हम थोड़ा जल्दी आ रहे थे बुक करने, बट सीन क्या ना, यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक जमा है, इसका मतलब कि सब अवेयर है कि टाइम पे एक तो मूर्तियाँ मिलती नहीं है, सो इसी के लिए टाइम के पहले ही सारी चीज़ें हो रही है। मैं ऑक्यूपाई किया है एंड इधर भी दीदी एंड ये लोग भी अपनी अपनी मूर्ति फाइनलाइज करने आ रहे हैं एंड काम साइमल्टेनियसली चालू है। वैसे तो मुझे और दीदी को ये मूर्ति अच्छी लगी है, मतलब एकदम डिसेंट है। फाइनली हमारी बुक हो चुकी है एंड अभी पेमेंट हो जाएगा, तो एक दिन पहले अपनी मूर्ति ले रहे होंगे। मूर्ति के साथ साथ मुझे हमेशा जो प्रॉब्लम जाती थी वो डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन में क्या होता था ना, मैं थोड़ा लकड़ियों की हेल्प ले लेता था जो वेस्टेज में है, काइंड ऑफ जो एक्स्ट्रा की पड़ी या फिर जिसका काम नहीं है। तो बट उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि मैं हमेशा कहीं पे भी रख देता था या फिर मतलब किसी रीज़न से उसको फेंक देना पड़ता था एंड फिर हमेशा जब जन्माष्टमी आती थी तो मुझे वही कि वापस से जुगाड़ करो। तो इससे बेटर में मैंने एक यूट्यूब में सॉल्यूशन देखा था, काहे का कि पीवीसी पाइप से हम मंदिर या फिर जैसा लगता है वैसा मंचा आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैंने पीवीसी पाइप भी और मतलब मंगा लिया, उसको काट पीट के लाया, अभी अपन उसको जमाते हैं फिर डेकोरेशन करते हैं। जिस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था वो यही है जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा, हाउ टू मेक। तो ये 2 चीज़ों की मदद से बना, एक तो पीवीसी पाइप एंड 3-way बेंड। फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस वे में दिखाई देता है जो कि काइंड ऑफ मंडप बनेगा जब मैं सारा डेकोरेशन कर रहा होगा। जितना भी टेस्टिंग पार्ट है मैंने इस रूम में किया हूँ, मतलब इस स्ट्रक्चर को लेके। बट सीन क्या है ना, अभी वापस से इसको डिसेंबल करना पड़ेगा और जहाँ पे हम लोग कृष्णा जी को मंडा रहे होंगे वहाँ पे असेंबल करना पड़ेगा। एंड हाइट मैं बता दूँ इसकी, ये पूरा 7 फीट है एंड ये 3 फीट है। तो 7 × 3 फीट का ये पूरा हमारा मंडप है। अगर आप तुमसर से हो और किसी को किराए के लिए रूम लग रही है, आ जाओ बॉस दिखा देते, फिर मुद्दे की बात करते। लोकेशन है नियर न्यू बस स्टॉप, ये जो सीधा रास्ता है वो दुर्गा कॉलोनी को टच होता है। जिस रूम की बात कर रहा था मैं ये है, मतलब एक छोटी सी पार्किंग मिल जाती है इंक्लूडिंग गेट। ये हॉल, किचन, लैट बाथरूम का एरिया, विंडो एंड देन दिस इज बेडरूम, कुछ ऐसा है। एंड उनको भी इधर कुछ स्पेस मिल जाती है कुछ एक्स्ट्रा का स्पेयर रखने के लिए इस साइड पे। लोकेशन है नियर न्यू बस स्टॉप बिसाइड ओवरसीज बैंक। अगर किसी को लग रही होगी या किसी को चाहिए होगी तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होगे, वहाँ पे सारी बातें होगी। तो हमेशा की तरह इस साल भी हम लोग हॉल पे ही बैठाएंगे जो उनकी कॉमन जगह है जहाँ हम लोग हर साल से बैठाते आ रहे। तो यही वो एरिया है, मतलब जस्ट खिड़की के सामने वाला पोर्शन, इतने में ही हम लोग सारा बैठा लेते। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो उसको डिसेंबल करते जो वो रूम में रखा है, देन यहाँ पे लाके उसको वापस से बनाते। तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा विदाउट डेकोरेशन के, अब हम इस पे डेकोरेशन करेंगे एंड जो भी होगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है जिस दिन कृष्णा जी बैठ रहे होंगे शाम को। दीदी की हार फुल स्पीड में बन रही है और रजत भैया भी आ चुके हैं,
वो तो सुबह 5 बजे उठ के आए, नहाना भी हो गया, मैं तो अभी अभी उठा हूँ कुछ थोड़े देर पहले। आज के भी कुछ एसेंशियल पेंडिंग काम थे जैसे फ्रूट्स लाना या और कुछ, तो ऑन द वे मैं सोचा कि क्यों ना पहले पेट पूजा करते, रजत है अभी है, मतलब घर पे थोड़ा टाइम था खाने को, तो मैं सोचा क्यों ना अभी आकर तरी पोहा ही खाया जाए तो खा। मेरी स्कूल 12th तक की यही थी एंड यह श्री राम भवन की बिल्डिंग, शनि भगवान जी का मंदिर और हमारा मार्केट और एरिया। ज़्यादा होने की वजह से अंकल के पास तो तरीका नहीं था, तो बांट के अका ने बोले सबसे ही सही काम चला लो करके, तो बस आ गया हमारा। और सब सारी एसेंशियल चीज़ें जो लग रही थी जैसे कि फ्रूट्स हो गए एंड देन ये स्वीट कॉर्न ककड़ी वगैरह सारा हो गया। काफ़ी भीड़ है यार, मतलब आज के दिन तो जनरली रहती है, और फ्रूट्स लाइन वाला एरिया। जो 2 तारीख को बुक किए थे वो उसकी डिलीवरी हमने आज ले ली है, तो हमारे जितने भी बाहर के काम थे वो सारे फिनिश कर दिए हमने। कृष्णा जी को अपने साथ में ला लिए, अब दीदी ला रही है, मतलब पानी वानी पैर वगैरह धोएगी एंड देन कृष्णा जी को अंदर लेके जाएगी। तो अभी कृष्णा जी का अभिषेक कर रहे हैं हम लोग, रात के बज रहे हैं 11। तो आज विसर्जन का डे, मतलब सेकंड है, मतलब सारे तैयारी हो चुके हैं, अब हम जाएंगे तालाब की ओर। तालाब नहीं है, बोडी है, काइंड ऑफ वाटर रिजर्व है, वहीं पे हम मार्शल करते हैं। कन्हैया जी को बाहर हमने उतार लिए एंड सारे लोगों ने तैयारी कर ली। सीन क्या हो गया, मैं और रजत भैया जा रहे थे स्कूटी से, मतलब रजत भैया ने कृष्णा जी को पकड़े हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पंचर हो गई, तो फिर अभी मैं भी सब पैदल आ रहे, और अच्छा होगा कि बीच में एक भैया मिल गए भगवान की तरह ही, उनके मदद से रजत भैया हमारे जो बोड़ी थी, तालाब था सो कॉल्ड, वहाँ तक कैसे भी हम पहुँच गए। यहाँ सारे लोग आए हैं, अभी हम लोग पहुँचे, तो जिस बोड़ी की बात कर रहा था मैं यही है वो, तो यही पे हम लोग विसर्जन करते हैं हमेशा। अब धीरे धीरे जो है पब्लिक बढ़ते जा रही है, आज इस बार हमारा ही पहला नंबर लगता है, मतलब हमेशा हम ही लोग नहीं क्या, मतलब टाइम के पहले आ जाते हैं। इधर भी सारे लोग कन्हैया विसर्जन के लिए, यह सारा रोड है।